क्रिकेटर जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये क्रिकेटर जरा खास है, इसके बैटिंग आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, इसके शॉट्स देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बॉल चाहे शॉर्ट लेंथ हो या फिर गुड लेंथ, आमिर बड़ी ही आसानी से खेल लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ कमी है तो? कहते हैं कि जो चीज मन में ठान लो वो पूरी होकर रहती है। वो काम चाहे कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, बस उसे पूरा करने के लिए लगन की आवश्यकता होती है, एक जिद चाहिए। ऐसे ही हैं जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा के आमिर। लेकिन जनाब, बिजबेहरा के वाघामा गाँव के 34 साल के क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन की कहानी दिल को छू लेने वाली है। दिव्यांग है तो क्या हुआ, आमिर हुसैन जम्मू कश्मीर की पैरा क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। आमिर 2013 से ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। इनका टैलेंट तब सामने आया जब एक शिक्षक ने इनको खेलते देखा। इनके खेलने के अंदाज से इम्प्रेस होकर टीचर ने इन्हें पैरा क्रिकेट की जानकारी दी। अब जरा देखिए आमिर हुसैन की खूबियाँ। अपने पैरों का इस्तेमाल करके गेंदबाजी करने वाले आमिर बल्ले को अपने कंधे और गर्दन के बीच पकड़कर जबरदस्त बैटिंग करते हैं। यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। आमिर का कहना है कि उन्होंने गेंद को हिट करने के लिए अपनी ठुड्डी और कंधे के बीच बल्ला पकड़ने का काफी अभ्यास किया। यही नहीं, दाहिने पैर की दो उंगलियों का उपयोग करके अंदर और बाहर की ओर स्विंग बोल करना भी सीखा। बहुत मेहनत करनी पड़ी ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन मैंने ज़िंदगी में हार नहीं मानी और हमेशा ये मेरा होप था कि मैं इंशाल्लाह आगे ज़रूर जाऊंगा और मैं अपने गांव का, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करूंगा। और ये मेरा बचपन से सपना रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। आज मैं हर कोई काम, चाहे क्रिकेट खेलना हो, कोई भी काम हो, वो मैं खुद कर सकता हूँ और आज मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। अगर मुझे बल्लेबाजी करनी पड़ती है तो वो मैं नेक और शोल्डर के दरमियान में बल्ला पकड़ लेता हूँ और खेल लेता हूँ, कोई मुश्किल नहीं आती है मुझे। अब जरा सोचिए, आमिर हर किसी के लिए मिसाल है कि नहीं? इनकी लगन, इनकी जिद और जुनून हर उस शख्स के लिए एक प्रेरणा है जो कुछ न कर पाने के बहाने ढूंढता है। शाबाश आमिर, तुम बेमिसाल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान के कुछ रंगीन और जीवंत त्योहारों में से एक है बीकानेर का ऊंट महोत्सव। देश विदेश के टूरिस्ट बीकानेर पहुंच रहे हैं कैमल फेस्टिवल का लुत्फ उठाने के लिए। देखिए रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की रंगारंग शुरुआत। लोक कलाकारों ने बिखेरे संस्कृति के रंग। देसी धुनों पर थिरके विदेशी पाउंड। धरती धोरारी, रंगीलो राजस्थान। ऊंट रेगिस्तानी इलाकों की शाही सवारी। रेगिस्तान का वो जहाज है जिसके बगैर स्थानीय लोगों की आवाजाही की शायद कल्पना तक नहीं की जा सकती। इस रेगिस्तान के जहाज के लिए बीकानेर हर साल ऊंट महोत्सव की मेजबानी करता है। और ये देखिए, सो हर वर्ष की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज हो गया। एक हजार हवेलियों का जो शहर है उसका और महत्व बढ़ाए, अधिक पर्यटन आएंगे, रोजगार भी मिलेगा लोगों को और इस बीकानेर का पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में नाम होगा इस फेस्टिवल के कारण। ये इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल है तो यहाँ पे अपने देश के साथ साथ में विदेश के लोग भी आते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर है, पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि कब ये आयोजित हो और हम यहाँ पे देखें। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये मेले हैं और इस मेले से भारतीय संस्कृति को जो
पहचान मिली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इन मेलों की बदौलत मिली है। पहले दिन की शुरुआत हेरिटेज वॉक के साथ हुई। इस दौरान रामपुरिया हवेली से लेकर बीकाजी टेकरी तक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। जिसमें देसी विदेशी सैलानियों ने पुरानी हवेलियों को निहारा, उन्हें अपने कैमरे में कैद किया। अपने लोक नृत्यों को लेकर आया है। कुल मिलाकर 3 दिन तक होने वाले इस आयोजन में हर तरह के रंग आपको देखने को मिलेंगे और पूरे प्रदेशों के साथ साथ बीकानेर के रोगियों और कुत्तों के कर्तव्य के साथ साथ घोड़ों के कर्तव्य भी आपको इस मेले में देखने को मिलेंगे। For the Camel Festival, it's a very nice event and first time for me and a very good experience. Thank you very much. 3 दिन तक आयोजित होने वाले इस उत्सव में अलग अलग जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस बार भी उत्सव को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने साझा तैयारियां की हैं, जो नजर भी आ रही हैं। इस बार पर्यटन विभाग ने कैमल फेस्टिवल में कई नए कार्यक्रमों को जोड़ा है। उम्मीद है देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश कामयाब होगी और बीकानेर में पर्यटन को पंख लगेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से मनीष दादीच की रिपोर्ट।